चैनल। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग ऑन यूट्यूब। यस गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ब्लॉग। मैंने कभी ब्लॉगिंग की नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं इस ब्लॉग को कहाँ ख़त्म करूँगी, बट हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन यूट्यूब और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी एंड अपलोड भी करूँगी, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी किया था तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैंने वो वाला ब्लॉग अपलोड ही नहीं किया था। एंड अब मेरा फ़ोन फॉर्मेट भी कर दिया मैंने, तो उस कारण वो सारी वीडियो सब कुछ डिलीट हो गया, बट मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। और हाँ, इस ब्लॉग के अंदर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ कहीं पर, तो उनके साथ ही चिल आउट करूंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जो भी होगा इस ब्लॉग के अंदर होगा। एंड गाइज, अगर ब्लॉग पसंद आता है तो मेक श्योर इस ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में एक छोटी सी घंटी है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, चलो मैं आउटफिट दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, दिस इज माई आउटफिट। यहाँ मैंने एक पोंचो टाइप का टॉप पहन रखा है एंड जेगिंग वेयर कर रखी है मैंने यहाँ पर। ये मैंने इनसेंट से ही ले रखी है ये पूरा आउटफिट। एंड यहाँ मैंने शूज पहन रखे हैं ब्लैक कलर के। यहाँ पे शूज दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ बट आ नहीं रहा है वीडियो इस कैमरे में, बट कोई नहीं, ये है मेरा पूरा आउटफिट गाइज। एंड गाइज, दिल्ली में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, लाइक बहुत ज़्यादा हो रखी है। सो मुझे अभी इतने वार्म स्वेटर में भी ठंड लग रही है, बट मैं जैकेट कैरी करूँगी बिकॉज बाहर तो और भी ज़्यादा ठंड है। जब कमरे में इतनी ठंड लग रही है तो बाहर और भी ज़्यादा है। सो मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है गाइज, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलिए। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो वॉक और मेरे फ्रेंड्स भी मेट्रो वॉक के आने वाली है। अभी तक तो वो आए नहीं, उनको 15-20 मिनट और लगेगी, मैं बट पहुंच गई हूँ। और यहाँ के बाद मुझे भूख से लगने लग गई थी, नवीन को ही भूख लग रही थी। एंड मुझे यहाँ पे एक कचौड़ी वाले अंकल दिखे हैं जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, खस्ता कचौड़ी। मैं अभी वही खाऊंगी। और बाहर का मौसम इतना भी ठंडा नहीं हो रखा कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे, बट मैं जैकेट फिर भी कैरी करूंगी साथ में, क्योंकि धूप कब चले जाए यही पता नहीं लगता। अभी तो धूप आ रखी है, अभी तो धूप है तो इतना एहसास नहीं हो रहा सर्दी का, बट कब चला जाए धूप पता नहीं लगता। अभी मैं कचौड़ी खाऊंगी, थोड़ी सी कचौड़ी खाऊंगी मैं और मेरे हस्बैंड। अभी वेट भी करना है उसका, तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए अभी। अभी उन दोनों का वेट भी करना है, सोचा क्यों ना खा लिया जाए। और मेरी कचौड़ी आ गई है इसको। गाइस, कचौड़ी आ गई है और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। मैं पहले कचौड़ी खा लेती हूँ बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और जबकि मैंने सुबह राइस खाए थे बट फिर भी भूख लग रही है। और मेरी कचौड़ी आ गई है एंड मैं कचौड़ी खा रही हूँ अब। एंड ये कचौड़ी की शक्ल कुछ खास नहीं लग रही, एक ढंग से हमारे यहाँ रखी हुई है। सब हम दोनों ही कचौड़ी खाएंगे, ठीक है। कौन सी कचौड़ी है ये? तो हम खा रहे हैं खस्ता कचौड़ी। सो गाइस, अभी टाइम होने वाला है एग्जैक्ट 2 बजने वाले हैं और अभी तक दोनों नहीं आए हैं। मुझे यहाँ पे 15 मिनट हो गई वेट करते हुए। वाओ, अभी उसको और 15-20 मिनट लगेगी तो 2:30 बज जाएंगे। मैं तो वेट ही कर रही हूँ फिलहाल उन लोगों का। एंड मेरे हस्बैंड पिक क्लिक कर रहे हैं विदाउट मेरे, अकेले अकेले। मेरे भी ले लो यार। मेरी चाहिए। तो शेक हो गई वो। और सो देखते हैं कि वो कब आएंगे दोनों महारथी, हमारे महारथी कब आएंगी। तो जब तक मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी है। थोड़ा सा तो
पिक कर ले, जैसे फ्री हो जाएगी मुझे बोलेंगे कब आएंगे वो, काम छोड़ के आया हूँ मैं अपना, कुछ इस तरह से ही बोलते हैं। बिकॉज मेरे पास है डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी चोको फेस बिस्किट, तो हम खाएंगे बिस्किट। एंड मेरे पास एक और चीज भी है गाइस, जो मेरे बैग में हमेशा रहती है, लाइक चॉकलेट। सो ये वाली चॉकलेट है अमूल की फ्रूट एंड नट्स डार्क चॉकलेट 55% रिच एंड कोको। सो ये मुझे मिली थी 25th को ना, क्रिसमस पे गिफ्ट मिला था मुझे, और मुझे चॉकलेट वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें चॉकलेट को धीरे धीरे करके खाती हूँ, एकदम से नहीं खाती हूँ। सो अभी के लिए मैं खाऊंगी बिस्किट, उनका वेट करते हुए फिर आएंगी दोनों, उनको थोड़ा सुनाऊंगी। तो वो तो पहुंचने वाली होगी ना, सान्या पहुंचने वाली है, तो मैं उसके साथ रुक जाऊंगी ना, फिर वो आ जाएगी कमीनी। सो उन दोनों में से वैसे तो दोनों ही अलग अलग आ रही है, लाइक सान्या आ रही है मेट्रो से और अर्पिता आ रही है ऑटो से, तो अर्पिता को टाइम लगेगा बिकॉज उसको जाम नहीं मिलेगा। देखते हैं कब तक पहुंच जाएगी वो, एक आधी तो आ जाए यार, जिससे मैं उनके साथ रहूं और निकल जाए अपना काम करने को। अभी शांत है, थोड़ी देर में वो भी उनका पारा चढ़ेगा। खाओगे यार तुम? मेरे तो क्यों मेरी मेरे बनाओ ना, किन साइड हो गए अपनी? मरी अच्छी नहीं है हमेशा, अच्छी आ रही है। मेरी फोटो लो, टेस्टी है ना, बहुत डिस्टर्ब करी बिस्किट। ओ गाइस, इस वाले बिस्किट को ना अगर आप ओवन के अंदर थोड़ा गर्म करके खाओगे ना, इसमें चॉकलेट मेल्ट होकर निकलती है, जो बहुत ही डिलीशियस लगती है। सो ऐसा भी करके देखना, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसे तवे पर भी रख के मेल्ट करके खा सकते हो, तवे पर भी वैसी हो जाएगी सॉफ्ट सी। एंड जब आप जब आप चम्मच से उसको निकालोगे ना, उसकी एक बाइट लोगे, तो गाइस बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। सो मैं इसको ऐसे भी खाती हूँ, और ये भी मेरे पास हमेशा रहती है, बिकॉज इसका आप बड़ा पैकेट ले लो जिसमें बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, मेरे पास अभी इस टाइम काफ़ी है। ये खा रही हूँ, एंड मेरी भी नवीन फोटो हो। अरे मैंने लेनी है, सही है, बस पीछे हो जाए, फोटो लेने दे मैं। अभी तो मस्ती चल रही है, उनका वेट भी हो रहा है, मस्ती भी चल रही है, और मुझे भूख भी लग रही है। सो सबसे पहले जाते के साथ ही मैं कुछ खाऊंगी अंदर, कुछ हैवी सा जिससे एनर्जी आए, जिससे एनर्जी आए। सो गाइस, मैंने जैकेट पहन ली है, एंड दिस इज माय जैकेट, दिस इज माय हैट। सो मैंने जैकेट पहन ली गाइस, एंड अब मैं अपनी पिक्स सेंड कर रही हूँ, जो बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स आई है। एंड मेरी जैकेट कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। एंड मैंने बहुत सारी पिक्स ली है इंस्टा के लिए, तो वैसे तो मैं हुई सुंदर। ओ शिट मैन, ये भूल गई है ना मैन, बाल ऐसे कर रही है। सो ये सेंड होने में टाइम लगा रही है, बिकॉज इस एरिया में ना नेट बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो। और लुक एट दिस, मैं सेंड कर रही हूँ, अब तक सेंड हो, और बैटरी लो हो गई, वाओ। अरे हम कॉपीराइट आ जाएगा पागल इस पे, अगर वायरल होगी वीडियो तो। इन्हें भी नखरे तो करे ना सोनी, इन्हें भी नखरे तो करे ना सोनी,
दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं अज फिर कितने नवीन चल के डल के नहीं रही है फोटो देखना कितनी प्यारी प्यारी फोटो आई है वाह यार कितनी प्यारी पिक आई है और ये वाली पिक्स मैं डालने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लुक एट दिस पिक, कितनी प्यारी पिक है ना, देखो मेरी आंखें नहीं दिखी देखो। Oh my God, man. ये देख रहा दांत के जो दिख रहा है। So, इस हैट का ये फायदा है कि आपको ठंड के अंदर आप पूरी यू भी कर लोगे तो भी नहीं देखोगे। Wow. I love this jacket. और ये जैकेट बहुत ही प्यारी लगी मुझे, मैंने काफी टाइम बाद जैकेट ली थी। और गाइस अब 2:30 बज गए हैं, मुझे आधा घंटा हो गया उसका वेट करते हुए, लिटरली मुझे पौना घंटा हो गया एंड वो दोनों ही नहीं आई अभी तक, वो ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो रखी है। वाओ चलो फिर घर आओ। वो ऑटो से आ रही है, ऑटो वाला उसको भी प्यो नहीं है कि जो लेके आ जाए मुझको। कितने सुंदर शूज है यार, कितने के लिए शूज इसने? 14-15 बताओ, सही तो मिल गए। आज करीना अभी करीना किसी दे नाल प्यार मुंडिया तो बच के रही हुण हुण। सो गाइस हाय हाय एंड शी इज माय फ्रेंड अर्पिता। अभी बेटर आफ्टर 2 इयर्स। हाँ हम 2 साल बाद मिल रहे हैं एंड गाइस ये मुझे बहुत ज्यादा वेट कराया, पता मैंने कितनी वीडियो बना रही। हाँ बहुत वेट कराया तूने, 1 घंटा देख ले पूरा। अंजलि वगैरह पर शुक्र वो नहीं आ रहे, सो अभी वो भी आने वाली है, उसके बाद हम थोड़ी मस्ती करेंगे। हम कहाँ क्या करेंगे अभी जाके अंदर देखते हैं, अंदर पहले तो कुछ खाएंगे फटाफट। भूख लग रही है, मेरा नाम देख सकते हैं कितना। हाँ अभी देखते हैं उसका क्या हाल हो रहा है, 2 साल बाद देख रही हूँ मैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है एंड मैं भी थोड़ी बहुत हो गई हूँ और उसका देखेंगे वो कैसी हो रखी है ना। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय गाइस। सो गाइस मेरी थर्ड फ्रेंड आ गई सान्या, इसने बहुत लेट करा है हमको और बोल रही मैं अंदर बैठी हुई थी झूठी, मैंने 1.5 घंटा वेट करा है। ये बाहर खड़ी हुई थी मुझे नजर नहीं आई, लेकिन नहीं नहीं यानी 1.5 घंटा वेट करा है। मेरे पास प्रूफ है, मैंने वीडियो बना रखी है सारी, मैंने बना रखी है। नाउ कंप्लीट द ग्रुप गाइस, नाउ कंप्लीट द ग्रुप ASA। जो भी करेंगे जरूर बताएंगे। अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने। अगर आप यहाँ पर आते हो मेट्रो वॉक में तो यहाँ पे जरूर आए ना, इस काउंटर पे हैप्पी वेज तो यहाँ पे सारा वेज ही मिलता है। हैप्पी वेज। सो गाइस अभी हम थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं लाइक भाई सडनली कभी भी वीडियो बनाने लग जाते हो आप तो आप जो बच्चे
अब मेरी फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि अर्पिता, गोलगप्पा, ये मेरा पास्ता, ये मेरा पटाटा। तो अभी जस्ट हम फोटो खींच रहे हैं अच्छी अच्छी एंड थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ की यहाँ पे ना गाइस सन की लाइट इतनी अच्छी आ रही है, वो माय ऐसे लग रहा है सन किस कर रहा है, इसको कर रहा, मुझे तो नहीं कर रहा, इसको कर रहा, उसको भी नहीं कर रहा, तेरे को भी नहीं कर रहा ना। हाँ सब कर रहे हैं इसको, बिकॉज शी इज सो हॉट। जैकेट उतार दो अगेन खाने वाले हैं। सो गाइस हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड में और मेट्रो वॉक की, हमें थोड़ी भूख लग गई थी अब फिर से, तो हम बर्गर खा रहे हैं, मैक चिकन बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। बहुत ही मजा आया। और अब हम खा के यहाँ सोच में पड़ गई, अगली बार आऊंगी अभी तो चलो हम खाते हैं। सो गाइस हम पहले पानी पियेंगे, बिकॉज हमें बहुत देर होगी हाँटते हाँटते, अब हम थक गए हैं, तो वी टेकिंग अ मिनरल वाटर है या नॉर्मल वाटर है? और ये कुछ ज्यादा ही शाय होती है हमारे घर। सो गाइस हाय अगेन, हाय बाय। सो गाइस अब हम जा रहे हैं और टाइम क्या हो रखा है, आई थिंक 6 बजने वाले हैं। और अब ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने अपनी जैकेट पहन ली, अपनी हैट पहन ली और अब हम जस्ट जा रहे थे, तो हमने घूम लिया, बहुत घूमे हम, बहुत सारा खा पी भी लिया। और रात को मेट्रो वॉक कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत रात का मेट्रो वॉक बहुत ही प्यारा लग रहा है, लोग जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है। हाँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ था इस बार, बहुत अच्छा, और टिकटॉक के स्टार भी आपको बहुत खाली पड़ा हुआ था। नहीं स्मार्टी बॉयज गर्ल्स सब थे, फैमिलीज भी थी। हाँ सो अब हम जा रहे हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम कहाँ मिलेंगे। यस मैं आऊंगी फिर कब मिलेंगे हम पता नहीं है, मीट सून। हाँ या फिर शॉपिंग वगैरह के लिए मिल लेंगे। हाँ शॉपिंग के लिए चलिए। सरोजनी नगर अगर शॉपिंग करेंगे तो फिर जाएंगे, गर्ल्स मार्केट है। हाँ तो फिर वहाँ और सरोजनी नगर का जो इंसेंस है जबरदस्त। हाँ वहाँ पे कपड़े अच्छे मैंने देखे उधर ये। सो अब हम सिर्फ बाहर एग्जिट कर रहे हैं, देन अब हम एग्जिट कर रहे हैं और लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही है, बिकॉज लाइटिंग कुछ इस तरह की हो रखी है, तो वो अच्छा फोकस आ रहा है। भाई तू भी साथ ही है। सो आगे अंधेरा है इसलिए मैं यहीं पर सारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आगे की लाइट अभी ऑन नहीं हुई है इसलिए यहीं से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। अंधेरा हुआ नहीं है इस वजह से लाइटिंग दिख नहीं रही है। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। हाँ और ये बहुत अच्छी इसकी बोली है, लाइक मीठी बोली है इसकी बड़ी, चलो टेस्ट करके रहती है सबका। सो अब हम जा रहे हैं, सो बाय गाइस। सानिया जाएगी अपने भाई के साथ, बिकॉज सानिया को लेने उसका भाई आ रहा है, इसलिए उसका भाई लेने आ रहा है। ये मेट्रो से जाएगी, मुझे मेरे हबी लेने आ रहा है, बिकॉज मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए, दैट्स व्हाई। So, और मेरे को पूरी पब्लिक लेके जाएगी मेट्रो में, ये पांडा है ना, ये हमारा पांडा, बाय टेक केयर, चलो मैं मिलूंगी, ये आपको बाय कह रही है, मैं आपसे मिलूंगी घर जाके। ओके गाइस बाय बाय कर दो बाय। हां तो गाइस ये जा रहे हैं और ये मिल रही है गली, जैसे भी मिलो बाय। सो गाइस अब हम पांडा को मेट्रो स्टेशन छोड़ के आ रहे हैं यार। तूने बोला बना ले। सो अब हम पांडा को छोड़ के आ रहे हैं मेट्रो, और मेरी एक फ्रेंड चले गई सान्या अपने भाई के साथ। सो वो मेट्रो आ गया है, यहाँ से बहुत ही पास है मेट्रो वॉक से। नहीं बहन प्लीज नहीं, ऐसे करो ऐसे ऐसे और
हम दोनों की नई नई हुडीज है, ये जैकेट है. आई लव दिस जैकेट एंड आई लव दैट जैकेट बिकॉज उस जैकेट का कलर बड़ा प्यारा है, उसकी हैट में फर बहुत सारे हैं. आई लव दैट. आई लव यू टू. सो अब आ गया मेट्रो स्टेशन. हमें सिर्फ एक मिनट लगा यहाँ पर आने में. वाओ गाइस, पांच मिनट में ही लगते हैं आपको, एक मिनट में आप मेट्रो स्टेशन होते हो. वाओ. सो यस गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी जस्ट मैंने चेंज करे है, जैकेट पहन ली और ठंड बहुत हो रही है, सो मैंने आते के साथ ही कपड़े चेंज कर लिए थे. नाउ मैं अपने ब्लॉग को अब एंड करती हूँ गाइस. अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. सब्सक्राइब के साथ में एक छोटी सी घंटी है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए. तो चलिए मिलती है आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.